सुबह से बहुत खुश है। क्या जब हुआ? से हमको पता चला है कि कायरा जी खुद रिबन काटने के लिए आ रही हैं। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं और हम चाहते हैं कि उनके साथ एक सेल्फी हो जाए। अरे अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कहाँ जाना है आपको? बेटा एक काम कर दोगे मेरा? हाँ जी, मुझे वहाँ वहाँ अंदर तक छोड़ दो। हाँ चलो चलो। चलिए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अंकल शायद ये आवाज आपके स्टिक के कारण आ रही है। अच्छा, इसको साइड में रख दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये तो हमारी छड़ी, ये ही रही आपकी छड़ी। अंकल जी संभल के संभल के। वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। वहाँ आज ना मेरी कायरा आ रही है। हाँ वो तो यहाँ आने वाली है, बस उसी को मिलने आया हूँ। सील कर दो। ए, क्या हुआ? रोहित 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 पकड़ इसको, पकड़ इस मुंडे को। ए रोक, ए रोक, ए ए रोक, ए कैसे हो सकता है? 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी सबके सामने इस लड़की को गोली मार देता है और जल्दी यहां से भाग भी जाता है और किसी ने पकड़ा नहीं उसे। सर मैं भी ये सोच के हैरान हूं कि ऐसा हो कैसे गया, लेकिन सर वो बूढ़ा आदमी दौड़ रहा था, वो भी किसी जवान की तरह बहुत तेज। उसके हाथ में गन देखी तुमने? नहीं सर, गन तो नहीं देखी, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी क्योंकि जब वो आया तो चल भी नहीं पा रहा था और फिर उसने अपनी स्टिक फेंकी और ऐसे दौड़ा जैसे कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि वो आदमी बूढ़ा नहीं जवान था। दो गोलियां लगी पर कोई एग्जिट वुंड नहीं है,
सर मतलब बुलेट्स बॉडी के अंदर ही है। बुलेट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से तो गोली यहीं कहीं से चली होगी, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में किसी ने गन कैसे नहीं देखी? पर सर इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई गन अंदर ला कैसे सकता है? सर हाँ सर, यहाँ पे जितनी मीडिया आई थी उनकी फुटेज, यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनका फुटेज, और ये कैमरा फोन सर, ये इसकी भी फुटेज मैंने निकाल दी और रेडी कर दी। एक एक करके प्ले करो। देख के तो यही लग रहा है कि गोली उसी तरफ से चली है जिस तरफ ये बुजुर्ग आदमी खड़ा था, मगर कहीं भी उसका हाथ दिख नहीं रहा है और ना ही गन। छुपा के गोली मारी गई है, ये कमर के पास रखी होगी गन, इसीलिए किसी को दिखाई भी नहीं दी। वॉचमैन सच कह रहा था कि बूढ़ा तो ऐसे भाग रहा है जैसे किसी रेस में भाग रहा हूं। क्या देखना इसका कोई क्लियर शॉट मिले क्लोजअप वगैरह का? सर माना कि उस बुजुर्ग आदमी ने इस लड़की पे गोली चलाई, पर ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी और ये मेटल डिटेक्टर्स के होते हुए वो गन लेके अंदर आया और वो पकड़ा नहीं गया? सर इस मॉल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट, और मेटल डिटेक्टर से मैंने उसे पास करवाया था। सर उसके हाथ में वॉकर के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसपे हम संदेह करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गन डिसमेंटल करके इस वॉकर में छुपा के लाया हो, यहाँ पे असेंबल की और फिर इसका खून कर दिया? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पूरे टाइम उसके साथ था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसपे हमें संदेह हो या हमें लगे कुछ गलत कर रहा है। जी वॉकर तो एकदम नया है सर। ये दो बुलेट छेद मिले, अजीब सी बुलेट है तो किसी बड़ी राइफल की, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ, एक इनविजिबल गन और ये अजीब से दिखने वाली राइफल की गोली। ये बात तो पक्की, वो बूढ़ा आदमी कोई बूढ़ा नहीं था, वो कोई नौजवान था जो भेष बदल कर आया था इसका खून करने के लिए। एक पेशेवर खूनी जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन कब तक बचेगा? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर मेरे भी, आखिर क्या कारण हो सकता है? काफी कंफ्यूजिंग है ना? वही तो मैं भी कह रहा हूँ तारिका, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या क्या कंफ्यूजिंग है सर? के बॉस ये अभिजीत बिल्कुल सही कह रहा है, वो केसिंग राइफल की और जो बुलेट है ये .228 राइफल की बुलेट है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बुलेट को काट करके .380 पिस्टल की बुलेट में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर उसे फायदा क्या? अगर उसे .380 बुलेट चाहिए थी तो वो कहीं से भी ले सकता था, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वही तो हम कह रहे हैं दया, इसीलिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उन शेल्स में से KBS के कुछ मैटर्स भी मिले। अब ये KBS क्या है? कैप्ट्रोलोन नाइट्राइल बुटाडीन स्ट्राइल। ये एक ऑयल बेस, तेल के ऊपर बेस किया हुआ प्लास्टिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है, पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल होती है उसमें काम आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये KBS मैटर बुलेट के शेल के अंदर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुलेट थी उस KBS मैटर के बॉक्स में रखी गई थी जिसकी वजह से वो
उसके अंदर आ गए। ये भी हो सकता है बॉस, क्या मुझे कुछ टेस्ट और करने पड़ेंगे? जल्दी कर सड़न के, तब तक हम उन लोगों से मिलते जिन्हें कायरा से नफरत थी। हाँ, I hated कायरा, उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं, बिकॉज उसकी हरकतें इतनी घटिया थी, वो इतना एटीट्यूड था उसमें, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी फिल्म आधी रेडी हो चुकी थी, लाखों का इन्वेस्टमेंट लग चुका था, और ये कायरा बीच में फिल्म छोड़ के चली गई। आप तो जानते हैं सर, फिल्मों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। कायरा की फिल्म छोड़ने के बाद में मुझे दूसरी हीरोइन भी नहीं मिली, मैं तो रोड पे आ गया सर। कैसे मैं हेट करूं उसे सर, मैं बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे, पूरे इंडस्ट्री में मेरी इमेज खराब करके रख दी है, हर तरफ ये अफवाह फैला दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों से कायरा का गला दबा देता। अरे बीच काम में उसने अचानक से अपनी पेमेंट बढ़ा दी और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो हमारी कुछ पर्सनल फोटोज थी उसके पास में, जो मीडिया में देने की धमकी देती थी मुझे। सर मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी कि मैं कायरा के साथ कभी काम नहीं करूंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ एक इंटरनेशनल शो करेगी, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसने कोई भी प्रॉमिस अपने पूरे नहीं किए। हैवी इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ सर, बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। मैम आप ये बताइए कि आज सुबह 11:30 बजे कहाँ थे आप? ओह माय गॉड, आप लोग ये सोच रहे हैं कि कायरा को मैंने मारा? मैडम स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, यू थिंक आई एम अ किलर राइट? मैम ये हमारा काम है, हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको देना होगा। देखिए मुझे सर, कितनी सुंदर और नाजुक हूँ मैं, आपको लगता है मैं किसी की जान ले सकती हूँ? क्या लगता है सर, यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास कोई ना कोई मोटिवेशन है कायरा का खून करने के लिए, क्या किसने अभी समझ में नहीं आ रहा? और सर इन मोहतरमा की तरह हर कोई ड्रामा करने लगेगा तो पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये खूनी जो भी है बड़ा शातिर है, देखा कैसी होशियारी से और कितनी प्रोफेशनल तरीके से उसने कायरा का खून किया। नहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से ही किसी ने इस प्रोफेशनल किलर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कायरा को मारने का? मगर सर एक बात अभी समझ में नहीं आ रही कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी खूनी गन कैसे अंदर ले गया? मुझसे पूछ लो ना भाई, संकट की इस घड़ी में हमेशा मैं ही तो तुम लोगों के काम आता। तो फिर बता इनमें से कौन है जिसने कायरा का खून किया हो? नहीं ये नहीं बता सकता। हाँ तो फिर ये बता सकता हूँ कि कायरा की जान कैसे गई। तो फिर बताना, कायरा के मर्डर में जिस गन का इस्तेमाल हुआ था वो असली गन नहीं थी, वो घोस्ट गन थी। अरे मगर ये घोस्ट गन क्या होती है? घोस्ट गन क्या है? बस मैंने सोचा कि जब बुलेट अपने आप बनाई जा सकती है तो गन क्यों नहीं बनाई जा सकती? यार अपने हाथों से बनाई जाती तो फिर भी वो मेटल डिटेक्टर में पकड़ी तो जाती ही ना। सर अगर ये गन मेटल की ना हो किसी और चीज से बनी हो तो? तारिका गन तो मेटल की ही बनती है, और चलो मान लिया किसी दूसरी चीज से बनाई तो वो गन जब बुलेट फायर होगी तो वो पिघलेगी नहीं? KBS प्लास्टिक। KBS वो जिसके ट्रेसेस आपको शेल पे मिले थे? वही मैंने इस KBS प्लास्टिक के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि इस KBS प्लास्टिक के फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, रेशे जो पिघलते नहीं है, और ये 3D ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी नॉर्मल प्रिंटर में इंक के कार्ट्रिजेस होते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर्स में फिलामेंट स्पूल्स होते हैं। बस मेडिकल मॉडल्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स, प्रोस्थेटिक्स और भी बहुत सारे नोवेल्टी आइटम्स, वो सब इससे बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब इन सब का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है दया? आ, बस मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो इससे सब समझ में आएगा। बस ये एक 3D प्रिंटर है, ये अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहा है, यानी बना रहा है। तो सर के तेरे कहने के मुताबिक खूनी ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? हाँ बस, गन का एक एक पार्ट पहले 3D प्रिंट किया गया और फिर सारे प्रिंट्स को एक साथ जोड़ दिया। और इसलिए इन गन्स को घोस्ट गन्स कहते हैं, क्योंकि किसी भी मेटल डिटेक्टर में ये डिटेक्ट नहीं होते। अरे लेकिन वो जो बुलेट थी वो तो मेटल की थी ना? एक मिनट, बस ये मेरी घड़ी पूरी मेटल की है, अब मैं इस घड़ी को पहन के इस मेटल डिटेक्टर में से पास होता हूँ।
इसने डिटेक्ट किया। अब इसी घड़ी को हम KBS प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पास करते हैं। ये KBS प्लास्टिक के बॉक्स में ये घड़ी गई अंदर और हम इस मेटल डिटेक्टर से इसको लेके जाते हैं। और इसने डिटेक्ट नहीं किया। बस इतनी बड़ी मेटल की घड़ी को जब इसने डिटेक्ट नहीं किया तो बुलेट तो इससे ज्यादा छोटी है, आसानी से गुजर सकती है। यार मगर उसने ये बुलेट खुद क्यों बनाई? अरे बॉस हम जानते हैं ना, एक राइफल की बुलेट की केसिंग ज्यादा बड़ी होती है बजाय पिस्टल की बुलेट की केसिंग, और ये आसानी से सारा गन पाउडर एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए प्लास्टिक की गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ताकि एक से ज्यादा फायर किया जा सके। बिल्कुल। तो फिर पता लगाते ये 3D प्रिंटर्स किन किन लोगों के पास? ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि सर आजकल 3D प्रिंटर बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, आर्किटेक्ट, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ? KBS फिलामेंट तो है, उसे पता लगाएंगे। ये रास्ता एकदम सही है क्योंकि सिर्फ दो ही तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक KBS और दूसरा BLA। BLA मतलब ब्लेंडेड, और ये BLA बहुत आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और ये BLA बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, जबकि KBS इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। बस तो फिर हम वो पता लगाएंगे कि कौन कौन लोग हैं जिनके पास वो 3D प्रिंटर है जिसमें KBS फिलामेंट इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ अभिजी, कुछ पता चला? चार लोगों के नाम मिले हैं जो ये व्हाइट कलर की KBS फिलामेंट 3D प्रिंटर्स में यूज करते हैं। आकाश, वीरेन, शैलेश और राजेश है स्पेक्टर डिजाइन फर्म का। चलो लग जाते हैं काम पे। ये जो आप फिलामेंट यूज करते हैं वो किस किस प्रोडक्ट में करते हैं? एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जाना है आपको? यहाँ पे एक ऑफिस है, स्पेक्टर डिजाइन फर्म, वहाँ जाना है। नहीं नहीं सर, इस नाम का यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या? लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गए। यार एड्रेस तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 405 नंबर फ्लैट में है वो ऑफिस। नहीं नहीं सर, यहाँ कोई डिजाइन फर्म नहीं है और इस बिल्डिंग में कोई ऑफिस भी नहीं खोल सकता। अगर गलती से किसी ने ऑफिस खोल भी दिया तो सोसाइटी उस पर फाइन लगा देगी। यहाँ से किसी भी बिजनेस का कोई वर्क का परमिशन नहीं है सर। पर ये 405 नंबर फ्लैट में रहता कौन है मालूम है? हाँ सर, 405 में एक लड़का रहता है, आनंद नाम है उसका। आनंद? हाँ, यहाँ का किरायेदार है। और? सर आप पैसे नहीं जा सकते, रजिस्टर में एंट्री तो कर दीजिए आप। सर आनंद, पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जरा संभाल के, ये आनंद जरूरत से ज्यादा चालाक है, कुछ भी खतरा हो सकता है। सर जरा अंदर आइए, हमें कुछ मिला है। क्या है? ये देखिए सर,
लाइट ऑन करना पंकज। यहाँ पे तो पूरा वर्कशॉप खोल के रखा है। करण के साहब सही कह रहे थे, ये आनंद गन बनाने के लिए यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखा फिलामेंट, यही वो फार्मूला है जिससे यहाँ पे वो 3D प्रिंटिंग वाली गन बना रहा था। तो सबको पिघला कर बना रहा था सब। ये गन जो है वो बड़ी बुलेट का फोर्स नहीं ले पा रही होगी, इसलिए उसने बुलेट काट के छोटी वाली बुलेट बनाई थी ताकि इस गन से बुलेट चल सके और किसी की जान ले सके। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी उसकी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कोई ना कोई तरीका तो होगा खोलने का। ले चलते हैं। Come on. एक बार और ट्राई करती हूँ। अलग अलग फॉर्मूला ट्राई कर रही हूँ, डिफरेंट कोडिंग्स भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन रितु क्या ही है, क्या हुआ? I'm really sorry सर, आज पहली बार आपके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चाहे कुछ भी हो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, just keep trying। सर मैंने सब कुछ ट्राई किया है, पूरी कोशिश की है इस फिंगरप्रिंट पासवर्ड को क्रैक करने की, अलग अलग फॉर्मूला डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग भी यूज की है, लेकिन सब बेकार। सर हम इसके हार्ड ड्राइव निकाल कर दूसरे लैपटॉप में लगा के शायद एक्सेस कर पाए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड बनाया है वो बहुत ही क्लेवर है। और अब हम अब क्या सर, हम 9 बार इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर कर चुके हैं और ये पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाए हैं। अगर एक और बार हमने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो क्या सर, अगर 10वीं बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो इस लैपटॉप में स्टोर सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब एक और अटेम्प्ट और सारी मेहनत बेकार। I'm really sorry, sir. नहीं, होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक आखिरी मौका है। जी, अब क्या करेंगे सर? तो अब इसे खोलने के लिए हमें वो खूनी चाहिए। खूनी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अंगूठा चाहिए। लेकिन सर अगर खूनी को नहीं पकड़ेंगे तो उसका अंगूठा कहाँ से लाएंगे? सारुंखे है ना हमारे पास। डॉक्टर साहब, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? कांटे से कांटा निकाल रहे हैं दया। उस क्रिमिनल ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था ना ये सब करने के लिए, बॉस हम भी उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रिंटर पर से उस खूनी के सारे उंगलियों के निशान लेंगे और उसे अपने सिस्टम में सेव करेंगे, और उसके बाद उसके अंगूठे का एक 3D प्रिंट निकालेंगे। जब वो प्रिंट तैयार हो जाएगा तो जो फिंगरप्रिंट्स हमारे सिस्टम में सेव हैं उसमें से अंगूठे का फिंगरप्रिंट लेकर के इस 3D प्रिंट वाले अंगूठे पर सेट कर देंगे।
ये बन गया अंगूठा। अब इस अंगूठे के थंब इंप्रेशन से उसका ये लैपटॉप अनलॉक करेंगे हम। वाह सर, इस लैपटॉप में तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। ये डार्क वेब से कनेक्टेड है। डार्क वेब? ये क्या होता है? ये टर्म पहले कभी सुना नहीं। जैसे क्रिमिनल्स के लिए अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरह वेब और इंटरनेट के क्रिमिनल्स के लिए डार्क वेब होता है। काफी सारे साइबर क्राइम्स और अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ होती है। वेब का अंडरवर्ल्ड, डार्क वेब। लेकिन ये इंटरनेट पर तो सब कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है, इस डार्क वेब में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स ये पकड़े क्यों नहीं जाते? सर आम लोग डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सर उसकी हेल्प से जो भी लोग यहाँ एक्टिव हैं उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सर यहाँ अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, जैसे ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और वही लोग यहाँ पर होते हैं जो ट्रैक नहीं होना चाहते। ये मिस्टर आनंद क्या कर रहा है डार्क वेब में? सर ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ये अपनी सर्विसेज बेच रहा था यहाँ पर। सर ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट है, घोस्ट असैसिन। अब जो लोग भी इसे हायर करना चाहते हैं वो पहले डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, उसके बाद इसकी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, और जिसे भी वो मरवाना चाहते हैं या जो भी उनका टारगेट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इसे प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट काम हो जाने के बाद। और इसको कायरा का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? सर मैं चेक करती हूँ। मौत का धंधा करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सर ये कोई बिजनेसमैन है, मिस्टर मंगेश। मंगेश? अरे तुझे मालूम नहीं मैं कितना खुश हूँ। हाँ सारी तैयारी हो गई। अच्छा एक काम कर, मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, सीधे एयरपोर्ट आ रहा हूँ। ओके चल तू उधर लोग। मालदीव्स आई एम कमिंग। सॉरी मंगेश, तुम्हारी मालदीव्स की ट्रिप मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं तुम्हें सीधे सीआईडी ब्यूरो की सैर करवाता हूं, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करता मैं, बर्बाद हो गया था मैं, खत्म कर दिया तो उस लड़की ने मुझे, कायरा ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक हैवी अमाउंट दिया था मैंने इसको इंटरनेशनल शो के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसने वादा किया था कि 3 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करेगी। क्या किया इसने? सिर्फ 1 घंटे परफॉर्म की, बर्बाद कर दिया मेरे शो के इसने। तो अपना नुकसान पूरा करने के लिए तुमने जान ले ली उसकी, और तुमने इस किलर को कॉन्टैक्ट कैसे किया? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफरेंस दिया था, ऑनलाइन मैंने उसको कांटेक्ट किया, जिसका खून कराना था उसकी पूरी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स एक छोटे से वीडियो में बना के भेज दी, फिर उसने अपना काम कर दिया। तुम कभी मिले नहीं उससे? मैं इससे कभी नहीं मिला, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। और उस असली खूनी को कैसे पकड़े सर? देख अभिजीत, एक आइडिया आया है दिमाग में। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कायरा मर्डर केस से आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस कायरा मर्डर केस में जो लैपटॉप सीआईडी को बरामद हुआ था सबूत के तौर पे, अब वो सबूत मिट चुका है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। बताया जा रहा है कि सीआईडी इस लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, तो पासवर्ड के रॉन्ग एंट्री के कारण इसका डेटा, इसके अंदर के सारे सबूत डिलीट हो चुके हैं। मंगेश जी, अब कॉन्टैक्ट करना तुम्हारे उस घोस्ट असैसिन को, कि तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट है जो किसी और को मरवाना चाहता है। किसको? ये है, देखिए
मेरा नाम नरेंद्र है, मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं फिल्म प्रोड्यूसर। मेरा एक पार्टनर है, जसविंदर नाम है उसका, वो पंजाब में है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका खून कर दें। मुझे पता है आप ये काम कर सकते हैं, उसके आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। जसविंदर का फोटो और उसके सारे डिटेल मैं आपको भेज ही रहा हूँ। अब इस वीडियो को भेज दो तुम्हारे उस गोस्ट असासिन को। सर ये जसविंदर कौन है? सर आप हम में से किसी को जसविंदर बनाना चाहते हैं? जसविंदर अभी आएगा, आता ही होगा। क्या बात? क्या बात है, क्यों बुलाया? अच्छा अच्छा यार, ऐसे मुस्कुरा के क्यों मार रहे हो? बता दो ना साफ साफ क्यों बुलाया है। देख सांग, तुझे हमारे लिए जसविंदर बनना है। What? क्या मतलब क्या तुम्हारा? बताता हूँ, वो जो घोस्ट असासिन है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर, हाँ। उसको पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। क्या? उस प्लान में तुम उसका विक्टिम बनेगा। उसका विक्टिम बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर तुझे मारने आएगा। अच्छा, मतलब वो मुझे मारने आएगा और तुम लोग मुझे बचा लोगे, और इस बीच में कहीं अरे कुछ नहीं होगा, क्या हम लोग मर गए? तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। सॉरी टू से बट यार, नहीं यार मुझे माफ कर दो यार, प्लीज यार। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी लैब में ठीक हूँ ना, क्यों फंसा रहे हो यार तुम मुझे? तू करेगा या नहीं करेगा? जब मैं घर पहुंचा रात के 11 बज रहे थे, मैंने देखा कि वो, ये लीजिए वहां पे जाइए। हाय गाइस, जस्ट गिव योर अटेंशन हियर नाउ, फेमस पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर जसविंदर जी हमारे बीच, और आपने तो कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि वो अपनी अगली पंजाबी फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए वो मेल फीमेल लीड एक्टर्स, विलन और कैरेक्टर एक्टर्स की तलाश में। तो आप लोग अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए, वो आते ही होंगे। एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आ गए। सत श्री अकाल जी, सारिया नु सत श्री अकाल। रुको 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 बेबी। सर देखो बेबी, पहले कैंडिडेट को 5 मिनट के बाद मेरे रूम के भेज लो। हाँ चलो जी, सत श्री अकाल। चलो मेरा तैयार है, मेरा तैयार है। सर बैठ जाइए, मैं बता सर 5 मिनट ओके बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। और जैसे ही दरवाजा खोला, वो दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा यार? जैसे ही दरवाजा खोला, और हैंडसम किस कैरेक्टर के लिए? सर हाँ जी सर, वो लोग रेडी है। हाँ तो भेजो भेजो भेजो। ओके ओके। अरे तुमको तो लीड करना चाहिए यार, क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक, एक्सक्यूज मी, मैं भी ऑडिशन के लिए आया हूँ। आपका नाम क्या है? जी सुरेश। आप यहां साइन कर दीजिए। अंकिल ने फॉर्म भर दिया? हाँ हाँ। आइए अंकिल, आपका ऑडिशन पहले लेते हैं। स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट अंदर ही दे देंगे। इनका नंबर लग गया। नहीं वो हीरोइन के फादर का रोल है ना, उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए। नहीं मैं बहुत देर से खड़ा हुआ था इसके लिए। नहीं नहीं आप तो हीरो मटेरियल है सर, आपका बाद में लेते हैं। आइए अंकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, सीनियर सिटीजन है भाई, समझा करो। क्या है ये सब, क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि ये अपने हाथों में कौन सी क्रीम लगाते हैं आप। इस जवान त्वचा का राज क्या है? चेहरे से तो बूढ़े हो गए लेकिन ये हाथ अभी भी जवान है। ये सब क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, कौन है आप सब? देखो चाचा, हम लोग CID से हैं, समझे? CID? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं क्या किया है और क्या नहीं अभी पता चल जाएगा। क्या ये? ये भेष बदल के यहाँ क्यों आए थे तुम? हैं? ये सब दाढ़ी वाड़ी लगा के क्या कर रहे हो यहाँ? आओ जी। हाँ जी, कुछ तैयार किया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं तो बस एक एक्टर हूँ। रंगमंच थिएटर के बाहर एक एक्टर मिला था, उसने मुझे बताया कि इधर ऑडिशंस चल रहे हैं, 60 साल के ऊपर का एक कैरेक्टर है, अगर मैं गेटअप चेंज करके जाऊँ तो मुझे वो रोल मिल जाएगा। और उसने ये भी बताया कि प्रोड्यूसर साहब को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबसे फेमस मिठाई वाले से ये मिठाई लेके आया। अभी तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। निकलो, चलो चलो चलो। थैंक यू सर। ये किलर हमारे साथ गेम खेल रहा है। अंकिल ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, रोल पक्का। शाहरुख साहब, क्या हुआ, कैसे भाई है? सर मैं यहाँ पर जब आई तो ऑलरेडी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। कोई था यहाँ पे? मेरे यहाँ आने से पहले एक साड़ी वाली बाहर गई थी। पूरी जरा ध्यान रखना। ए, ए, हटिए, रुक। एक मिनट, एक मिनट। चल हट। ए, किस में? ए, रुक। बस खेल खत्म तुम्हारा। बस तेरा डार्क वेब का खेल खत्म। सर सांस नहीं चल रही है सर। एम्बुलेंस फोन करो जल्दी। अरुण के साथ। अरे छोड़ दो दे, हाँ? छोड़ दो छोड़ दो। अरे गिरा मत देना यार, अरे गिरा मत देना। क्या नाटक कर रहे हैं आप ये? खून कहाँ है? क्या नाटक कर रहे हैं आप? क्यों भाई, तुमने मुझसे इतना लंबा चौड़ा नाटक करवाया यार, जरा सा मैंने भी एडिशन कर दिया नाटक का यार। सर आपने ये सब किया कैसे? अरे सालू के नाम है ना मेरा, ये देखो बुलेट प्रूफ जैकेट, और बताओ ये मेरी पगड़ी देखो, ये भी बुलेट प्रूफ है। और भाई साहब ये जो चश्मा है ना, गोली इसमें भी नहीं लग सकती है, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस है। और झटका तू, ये जो मेरी दाढ़ी है ना भैया, दाढ़ी का भी इंसान है बुलेट प्रूफ। वो तो ठीक है सर, आपके चक्कर में हम लोगों का हार्ट अटैक हो जाता तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।